हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू उपासना के दुनिया थोड़ा सा गैप हो गया हमारी वीडियोज़ में लेकिन आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है थैंक यू सो मच वेट लूज़ की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और अपने रिव्यू शेयर करने के लिए कि यार मैम हमें इतना इफेक्ट आ रहा है इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो यार हम हमेशा डाइट पे वर्क करते हैं डाइटिंग भी बहुत लोग करते हैं लेकिन कभी भी डाइट रेस्ट्रिक्ट करके आप वेट लूज का जो आपका एक टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते हो क्योंकि यार आप थ्रू आउट लाइफ डाइट पे नहीं रह सकते बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मैम जो आप डाइट चार्ट बताते हो उसके बाद कैसे मैनेजमेंट रखें तो मैं आज छोटे छोटे वो भी टिप्स बताऊंगी उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप फाइव डेज में थ्री के वेट कैसे लूज कर सकते हैं येस yes, जो आपका वाटर वेट है अलॉन्ग विथ जो आपका नॉर्मल इंचज है उसमें भी डिफरेंस आएगा मैनेजमेंट से सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से ठीक है जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो आपकी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है दैट इज जिंजर सिनेमन ड्रिंक जिंजर सिनेमन टी आपको क्या लेना है एक कप पानी लेना है उसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालना है लगभग आधे इंच का और उसमें एक स्टिक डालनी है दालचीनी की लगभग आधे इंच की और उसको बॉयल करना है जब तक वो आधा ना रह जाए जिस टाइम वो आधा रह जाए उसे छान लीजिए और उसको सिप सिप करके चाय की तरह पीना है ये आपकी है मॉर्निंग ड्रिंक और बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक जिंजर भी फैट कटर का, का काम करता है और जो सिनेमन है वो भी फैट कटर का, का काम करती है यानी दोनों आपके फैट को डिजोल्व करने में जो विजरल फैट के डिपोजिशन है जो एडिपोस्ट टिश्यू डिपोजिट हो गए हैं उस पर बहुत अमेजिंग वर्क करता है तो मॉर्निंग शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ क्योंकि आप ब्रेकफास्ट बहुत अमेजिंग होना चाहिए ताकि आपको सारा दिन भूख ना लगे तो जो मैं आज आपको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ सबके लिए बहुत ही टेस्टी होने वाला है क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने वाली हूँ थोड़ा सा साउथ इंडियन डाइट पर शिफ्ट कर रही हूँ स्विच कर रही हूँ आपको क्या करना है या तो आप दो इडली ले सकते हैं एक उत्पम ले सकते हैं मीडियम प्लेट साइज जो सर्विंग प्लेट होती है उतने साइज का पोहा ले सकते हैं एक बाउल प्लेन डोसा ले सकते हैं कितना टेस्टी और हेल्दी उपमा ले सकते हैं मसाला इडली बना के ले सकते हैं ये ऐसी चीज़ है जो आपके वेट लूज में बहुत अमेजिंग वर्क करेंगे और फैट को डिजोल्व करने में हेल्प करेंगे तो इससे टेस्टी ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को बताते बताते मुंह में पानी आ रहा है काश मेरा ब्रेकफास्ट भी ऐसा होता तो मतलब यार लेकिन टाइमिंग जो ब्रेकफास्ट आपको नौ बजे तक आपको करना है अपना ब्रेकफास्ट अब जो आपने मॉर्निंग में जिंजर सिनेमन टीली और ब्रेकफास्ट जो कर रहे हो उसके बीच में आपको एक चीज़ ऐड करनी है दैट इज़ एप्पल हाफ एप्पल आधा सेब आपको ज़रूर खाना है ताकि आपको गैस की फॉर्मेशन ना हो डाइजेशन इंक्रीज हो पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके इंक्रीज हो इसी के साथ यार अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इतनी अमेजिंग वीडियोस को आप और अच्छे से जानना चाहते हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है अब चलते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे पसंद नहीं है तो आपको लेने हैं हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स कुछ भी आप ले सकते हैं अखरोट किशमिश काजू पिस्ता बादाम शुआरा जो आपको पसंद है हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर के जिसका जितना हाथ का साइज है आप उतने ले सकते हैं मतलब नॉर्मली ऐसे ऐसे भर के नहीं लेना ये आपको मॉर्निंग आपको लेना है टेन थर्टी टू इलेवन थर्टी के बीच में यानी इस जो वन आवर की ड्यूरेशन है अब साढ़े ग्यारह के करीब जब आप ड्राई फ्रूट्स लेंगे उसके बाद आपको लेना है ग्रीन टी कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं और अगर आप बहुत फास्ट वेट लूज करना चाहते हो और वाकई में आप इस जर्नी में हैं तो आप वेद आयुर्वेदा यानी कि हमारी हर्बल टी भी ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग उसका इफेक्ट है बहुत अमेजिंग वर्क करती है काढ़े की तरह बना के पीना है उसमें हमने थर्टी एट टाइप्स के प्लांट्स का कॉम्बिनेशन ऐड किया है जो मेटाबॉलिज्म माइंड को रिलैक्स डिप्रेशन स्ट्रेस एनजाइटी सब में वर्क करता है और इसी के साथ अगर आप लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं आपको स्टिल मेडिसिन चाहिए जो बहुत अमेजिंग वर्क कर रही है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है अब आते हैं हमारे लंच की तरफ अच्छा एक और चीज़ जो लोग अपने मन में साइकोलॉजी बिठा लिया ना यार अब बॉडी में जितना वेट कैपेसिटी है लूज होने की उतना ही तो होगा मानो आपका पचपन है आपकी हाइट के हिसाब से सही है आपको करना पैंतालीस है नहीं हो सकता भाई वहां पे अब मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं मैम वेट लूज करना जब मैं उनकी बॉडी की तरफ देखती देखी उसमें कुछ होता ही नहीं है लूज करने के लिए बट वो साइकोलॉजी है कि हमें करना है करना है करना अरे वेट जो है बोन्स का भी होता है आप अपनी बॉडी में देखो कि आपकी पर्सनैलिटी को वो सूट कर रहा है या नहीं तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग देखोगे क्या वो चीज़ आपको सूट कर रही है या नहीं अब आता है आपका लंच लंच में आपको लेना है एक चपाती थोड़े से राइस मतलब लगभग लग लग आधी कटोरी राइस लेकिन राइस जो बनाने हैं उसको आपको पहले तीन घंटे पहले पानी में भिगो के रखना है और उस पानी की मांड जो है ऊपर का पानी पूरी तरह से निकाल देना है और उसको खुले पतीले में बनाना है कुकर में नहीं बनाना है ताकि पानी पानी जो है बॉइल होता रहे होता रहे होता रहे उसका पूरा फैट निकल जाए और वो नॉर्मल रहे जो लोग राइस लेते हैं राइस यानी कि ऑप्शनल है अगर आप राइस नहीं लेते हो तो आप दो चपाती लेंगे साथ में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल लेंगे बट जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा ये मशरूम ले लीजिए घिया की सब्जी ले लीजिए कद्दू ले लीजिए या तोरी की सब्जी टिंडे की सब्जी ये वाली सब्जी ज़्यादा लेनी है ये आपका होगा लंच और इसके साथ लेना है आपको सैलेड खाना खाने से पहले आपको सैलेड लेना है और उसके बाद आपको करना है लंच अब आते हैं चार बजे चार बजे मिड इवनिंग में हमें थोड़ी सी यार भूख लगती है आपको लेनी है आधी कटोरी स्प्राउट जितना आपका बॉडी वेट है ना मतलब मानो आप पचास किलोगे तो आपको जस्ट फिफ्टी ग्राम लेना है ठीक है और अगर आप जैसे सिक्सटी के जी के तो आपको सिक्सटी ग्राम स्प्राउट लेने हैं इसके साथ लेनी है आपको बहुत ही टेस्टी ग्रीन टी कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं या आप हमारी ग्रीन टी ले सकते हैं अब आते हैं डिनर की तरफ लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना डिनर हमारा टाइम पे होना चाहिए यहाँ आपके पास टाइम लिमिट आठ बजे की है और आठ बजे तक आपको आपका डिनर करना है एक चपाती लेनी है बिल्कुल पतली पतली चपाती उसके साथ आपको लेनी है दाल दाल किस तरह से बनानी है उसमें सारी सब्जियां कट करके डालनी है और एक चपाती ऑप्शनल है अगर आप चपाती स्किप कर सकते तो बहुत अच्छा है नहीं कर सकते सिंपल आप दाल का बाउल लीजिए साथ में लेनी है एक प्लेट सैलेड सैलेड होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्याज खीरा टमाटर गाजर कुछ भी उसमें कट करके डाल लो आप सैलेड पूरा एक मिक्सचर बना लो ये हो गया आपका डिनर ये जो डाइट चार्ट आप पाँच दिन फॉलो करोगे ना आपके थ्री के जी तक आप बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हो रिजल्ट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू तो पर्सन हर किसी की बॉडी अपनी तरह से वर्क करती है अपनी तरह से रिस्पॉन्स करती है किसी की बॉडी ऐसी भी होती है जिसपे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता बट आप बहुत लाइट फील करते हो बहुत एनर्जेटिक फील करते हो फेस पे एक डिफरेंट ग्लो होता है डार्क सर्कल हेयर फॉल सब में बहुत अमेजिंग वर्क करता है और सोने से पहले रहेगी आपकी एक बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक जो कि इस डाइट में नहीं है बहुत से लोगों को होता है सोने से पहले सिर्फ आपको लेना है आधा चम्मच अजवाइन गर्म पानी के साथ जो आपकी फैट की बर्निंग की प्रोसेस को फास्ट कर देगा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा सिंपल सा डाइट चार्ट था बहुत अमेजिंग वर्क करेगा आप इसी फ्रिक्वेंसी के साथ फाइव डेज तो आप कर रहे हैं अगर आप इसको वन मंथ भी यूज करेंगे कंटिन्यूटी में तो बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा बॉडी में जो एक्सेसिव फैट है टायर बन रहे हैं थाई है हिप फैट है बैली फैट है ब्रेस्ट फैट है अंडर आर्म आम पीठ में बहुत लोगों को फैट होता है सब पे बहुत अमेजिंग वर्क करेगा और इसी के साथ अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आपको लगता है नहीं यार वेट लूज करना है मेडिसिन चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिन भी यार फीमेल्स में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है आप भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हो और इनफर्टिलिटी के पेशेंट में बहुत अमेजिंग वर्क करेगा ट्यूब ब्लॉकेज है अंडे नहीं बन रहे हैं आप हमसे कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है और अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी ट्रीटमेंट को लेके मैंने नंबर दिया आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मेरी इंस्टा आई डी पर जाके टेस्टिमोनियल देख सकते हैं और हर ट्रीटमेंट के रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं तो यार इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और रिव्यू शेयर करना नहीं भूलना है कि आपको इस डाइट से कितना बेनिफिट हुआ है अगर आप जनरली हेल्दी भी हैं आपको वेट रिड्यूस नहीं भी करना तब भी अगर फाइव डेज आप इस डाइट को फॉलो करते हो तो ये बॉडी में डिटॉक्सीफाई प्रोसेस का काम करेगी चेहरे पे एक ग्लो लेके आएगी तो इससे बेस्ट डाइट नहीं हो सकती है आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना पुरानी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं जो हम फेस को लेके बनाते हैं ग्लो को लेके हैं उन पे आपको कैसे आपके रिव्यूज़ हैं वो भी ज़रूर शेयर करना टिल देन यार नमस्ते थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए